ओके डियर स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो इसमें हमने कर लिया कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन क्या है, कैसे हम बोलते हैं कि यस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और सॉल्यूशन इज नॉट कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। ठीक है, मीन तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है ना। इसके बेसिस पे दो कैटेगरी है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, कौन कौन सी कैटेगरी है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है एक सॉल्यूशन में। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हाई, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में डिजॉल्व, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम डिजॉल्व है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो वो आपका क्या होगा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में यही डिफरेंस है। कंसंट्रेटेड क्या है आपके पास, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास कम है तो वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी में कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। सो फर्स्ट वे इज, सो कंसंट्रेशन को हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए तीन मेन तरीके हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, इनमें से तीन बहुत ज़्यादा मेन हैं। मास परसेंटेज के टर्म में कर सकते हैं, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो बाय यूजिंग दीज थ्री डिफरेंट मैथड वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट इज मास परसेंटेज, सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर, सो वेरी फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट इज मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में क्या है, मास परसेंटेज में क्या है, दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज जनरली यूज फॉर द सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में। ठीक है, जब आपका सॉलिड डिजॉल्व किस में हो रहा है, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, तो उसमें मास परसेंटेज यूज़ करते हैं। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन, टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, और साथ में उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मास परसेंटेज, सो मास परसेंटेज आपका क्या होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर, तो अब आपको इसमें क्या होगा कि आपको इनमें न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे आपको सॉल्यूट का मास गिवन होगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, आपको बोलेंगे कि मास परसेंटेज निकालो, या आपको मास परसेंटेज दिया होगा। ठीक है, और इनमें से कोई या तो मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूशन कोई एक क्वांटिटी दी होगी, फिर आपको बोलेंगे अदर क्वांटिटी को आपने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया हो सकता है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो सकता है, क्या दिया हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वहाँ पे आपको पहले क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज़ द सम ऑफ, सम किसका सम है, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप उसमें क्या करोगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को प्लस करोगे तब जाके आपका क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। सो क्लियर, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए
सॉलिड इन लिक्विड के लिए, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मास ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाइड विथ 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, दैट्स व्हाई हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सो क्विकली राइट डाउन वन क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे सारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ शुगर। आपको एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने 20 ग्राम ऑफ शुगर को डिजॉल्व किया है। 20 ग्राम ऑफ शुगर मीन्स ये क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। शुगर हेयर इज सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम है, इसका कम है। एंड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, किसमें डिजॉल्व किया उसको, 80 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 80 ग्राम ऑफ वाटर इज वॉट, 80 ग्राम ऑफ वाटर इज योर सॉल्वेंट। 80 ग्राम ऑफ वाटर क्या है आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। सो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको 20 ग्राम ऑफ शुगर गिवन है, 80 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है। मींस आपको सॉल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट गिवन है। आपको ये खुद से अंडरस्टैंड करना है कि सॉल्यूट कौन सा है इसमें, सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। सो गिवन क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट पूरा लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 80 ग्राम, राइट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया है ना, लेकिन हमारे पास मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो मास ऑफ सॉल्यूशन में निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 20 प्लस 80 विच इज इक्वल्स टू 100, सिंपल। नाउ अप्लाइंग फार्मूला, वी नो दैट फार्मूला यूज्ड क्या होगा, फार्मूला यूज्ड इस मास परसेंटेज के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय 100। सो क्या होगा ये, 100 कैंसिल इज इक्वल टू 20%, सो मास परसेंटेज इज 20%, सिंपल, इजी है ना। सो दिस इज दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन?